तो आज हम इंडियन बाइक स्वयं 3D गेम के अंदर कुछ अमेजिंग ग्लिच को कंफर्म या बस्ट करने जा रहे हैं। अच्छा तो गाइस, फर्स्ट ग्लिच को करने के लिए हम एक कार को बिल्डिंग के पास ले आना है। तो फिर आप लोगों को एक ऐसी बिल्डिंग फाइंड करनी है जिसमें आप अपनी कार को बिल्कुल एकदम चिपका के लगा पाओ। तो फिर आपको अपनी कार को बिल्डिंग के पास ले आना है और फिर जल्दी से गेट खोल के अंदर उतर जाना है। और यार ये देखो, अभी मैं पहुंच चुका हूँ बिल्डिंग के एकदम अंदर, यार मतलब कमरे में। लेकिन यार ये कोई भी ग्लिच नहीं है, ग्लिच तो अब होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को जल्दी से 40-40 डायल करके टैंक मंगा लेना है। तो फिर सिंपली आप लोगों को टैंक के अंदर बैठ जाना है और जो आपको ये बिल्डिंग के सामने वाला कोना दिख रहा है ना, आप लोगों को वहाँ पर ही टक्कर मारनी है। तो रुको यार, 1, 2, 3, यार यहाँ पे मैंने टक्कर मार दी, लेकिन 1 सेकंड यार ये मैं कहाँ पहुंच गया यार, ये तो पाताल लोक में गिर गया मैं। तो गाइस यार ये देखो मेरा टैंक जने कहाँ गिर गया है यार, मुझे खुद को पता नहीं है। तो हमारा पहला ग्लिच होता है कंफर्म। हमारा पहला मिथ ये है कि अगर आप अपने ओल्ड वाले घर के आगे बिगेस्ट लाइट वाला ग्लिच करोगे, फिर बाथरूम के आईने में देखोगे तो फिर मैजिक होगा। अच्छा तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर के बाहर और यहाँ पे मैंने नाइट मोड का चीट कोड लगा दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रात हो चुकी है। अभी हमें यहाँ पे कुछ बाइक को मंगानी है, फिर उनकी लाइट जलानी है। देखो अपने क्या, तो यहाँ पे मैंने 3 बाइक की लाइट को जला दिया है और अभी लग चुका है इन्फिनिटी लाइट का ग्लिच। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं लाइट के बीच में। लेकिन 1 सेकंड यार, पहले अपन नाइट मोड को तो हटा देते हैं, तभी तो होगा हमारा ग्लिच। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यार, मेरा पूरा शरीर यार मैं दिख भी नहीं रहा हूँ यार, पूरा का पूरा व्हाइट हो चुका हूँ। और यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा घर भी व्हाइट हो चुका है, बस मेरे घर की ग्लास यानी आईना बिल्कुल ब्लैक है। तो रुको चलते हैं जल्दी से बाथरूम में। तो लगता है यार मैं बाथरूम में आ चुका हूँ, लेकिन 1 सेकंड ये क्या है, रुको अभी देखता हूँ यार आईने में से। तो गाइस यार यहाँ पे आप लोग बाहर देखो यार, ऐसा लग रहा है कि हम बादलों के ऊपर आसमान में रहने लग गए। तो गाइस कुछ भी बोलो यार, लेकिन यार ये वाला मिथ 1 नंबर था, एकदम कंफर्म है ये मिथ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने वैगनार को ले लिया है और इसको चलाने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। रुको जरा, सबर करो। तो गाइस हमारा अगला मिथ है ये, अगर हम ट्रेन को पटरी से उतार कर फोन से चलाएंगे तो ट्रेन उड़ने लग जाएगा और एक नया ट्रेन आ जाएगा। वेरी डेंजरस। तो गाइस हमें ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए बहुत सारे स्टिकी बॉम इसके आगे लगाने होंगे। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। चलो भाई रन। तो ये देखो गाइस, मैंने इसके सामने कितने सारे स्टिकी बॉम लगा दिए। तो चलो फिर अपन इसको जल्दी से फोड़ देते हैं। चलो भाई 1, 2, 3। हाँ तो गाइस यार ये देखो कितना बड़ा धमाका हुआ है यार यहाँ पे। और यार ये देखो ट्रेन भी अलग अलग हो रही है धीरे धीरे, और ये देखो अलग हो चुकी है। और यार देखो आसमान में उड़ रही है ट्रेन के डब्बे, यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो गाइस ट्रेन तो आसमान में उड़ के जाने कहाँ चली गई, लेकिन यहाँ पे तो अभी तक ट्रेन नहीं आई दूसरी। तो चलो दूसरी ट्रेन का इंतजार करते हैं। चलो भाई 1 आवर लेटर। तो गाइस अभी 1 घंटा हो चुका है। तो चलो फिर यार अभी तक ट्रेन कैसे नहीं आई। 2000 years later। हाँ तो गाइस यार 2 साल से खड़ा हूँ यार, अभी तक ट्रेन नहीं आई, देखो जब बेइज्जती। तो गाइस मुझे लगता है ट्रेन नहीं आने वाली। तो गाइस ये मिथ होता है हमारा बस्टेड। तो हमारा अगला मिथ ये कि अगर हम किसी भी जगह बहुत सारे स्टिकी बॉम लगाते हैं और तो फिर हमें स्काईफॉल का चीट कोड डायल करना है और हवा में उड़ जाना है, फिर हम जैसे ही नीचे गिरेंगे तो हम कार को फ्लाई कर सकते हैं। तो गाइस इसको करने के लिए मुझे सबसे पहले जमीन के ऊपर बहुत सारे स्टिकी बॉम लगाने होंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। और गाइस हमें इसमें इंफिनिटी हेल्थ का चीट कोड भी लगाना पड़ेगा। अच्छा। और गाइस इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो चल जिसे कर दो। बात तो सही है। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे इंफिनिटी हेल्थ का चीट कोड भी लगा लिया है। चलो भाई। तो अभी हमें बिल्कुल स्टिकी बॉम के बीच में खड़े होकर सुपर जंप का चीट कोड लगा लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो गाइस यार अभी मैं हवा में उड़ चुका हूँ और अब जल्दी से अपन नीचे गिर गया। और यार ये देखो आप लोग यार, स्टिकी बॉम मेरे ऊपर चिपक गए हैं। तो गाइस यार ये देखो, मैं तो स्टिकी मैन बन गया, मेरे आजू बाजू में स्टिकी बॉम चिपक चुके हैं। तो चलो गाइस यार अभी अपन कार के अंदर बैठ के देखते हैं क्या हमारी कार फ्लाइंग कार बन जाएगी। अरे गाइस यार ये देखो हमारी कार के क्या सीन हो रहा है यार, देखो उल्टी 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 घूम रही है यार गोल गोल।
अरे यार इसे फ्लाइंग कार थोड़ी कहते हैं, इसे तो गोल गोल कार कहते हैं। तो चलिए यार अपन बुगाटी में करके देखते हैं, देखते हैं क्या होता है बुगाटी के साथ। तो गाइस यार मुझे लगता है यार इसे फ्लाइंग कार कहते हैं, तो गाइस ये मिट होता है हमारा कंफर्म। तो गाइस हमारा अगला मिट ये कि अगर हम मून ग्रेविटी एक्टिवेट करके पुलिस के उतरने से पहले हम पुलिस की गाड़ी में बैठेंगे तो फिर देखो मैजिक। अच्छा तो गाइस पुलिस बनाने के लिए मुझे इसको मारना होगा, तो ओके गाइस यार अभी मैंने इसको मार दिया है तो अभी पुलिस आती होगी कुछ देर में। A few moments later. तो चलो गाइस यार ये देखो पुलिस की कार आ चुकी है, तो चलो फिर अपन जल्दी से इसकी कार के अंदर बैठना होगा। चलो तो चलो अभी अपन जल्दी से इसके अंदर बैठते। ओ भाई साहब यार ये देखो कितनी सारी पुलिस आ चुकी है यहाँ पे। तो गाइस ये मिट होता है हमारा कंफर्म। तो हमारा पहला मिट ये है कि अगर हम एयरपोर्ट वाले प्लेन पर आग लगा के बैठेंगे तो मैजिक होगा। अच्छा तो ये देखो अभी मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट वाले प्लेन के पास। तो इस मिट के लिए मुझे सबसे पहले इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड लगाना पड़ेगा 9129। तो अभी मैंने इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड लगा लिया है, तो अभी हमें जल्दी से अपनी बंदूक निकाल कर इस प्लेन में आग लगानी है, फिर जल्दी से इसके अंदर बैठ जाना है। तो ये वाला काम अभी मुझे जल्दी से करना होगा, नहीं तो ये वाला मिट हमारा फेल हो जाएगा। तो ये देखो गाइस यार यहाँ पे हमारे प्लेन में से धुआं निकल रहा है, अब मुझे जल्दी से इसके अंदर बैठना होगा। जल्दी बैठ 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 जल्दी बैठना होगा जल्दी बैठ भाई। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ, लेकिन एक्सीडेंट गाइस यार ये क्या हुआ यार, ये मैं कहाँ पहुँच गया अबे। हाँ तो गाइस यार मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन यार यहाँ पे प्लेन उड़ाने का मजा ही आ रहा है, और आप लोग देख सकते हो जलता हुआ प्लेन उड़ भी रहा है। तो गाइस ये मिट होता है हमारा कंफर्म। तो हमारा पहला मिट ये कि अगर हम एक के ऊपर एक टीम का स्पॉन करेंगे तो और उसके अंदर बैठेंगे तो फिर देखो मैजिक। अच्छा तो गाइस अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो चलो फिर अपन जल्दी से एक के ऊपर एक कार लोड कर लेते हैं। तो अभी मैंने एक के ऊपर एक कार लोड कर लिए, तो चलो फिर अब 30 नंबर की ऊपर ही ऊपर कार में बैठ चुका हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा मैजिक होने वाला है। यार यहाँ पे मेरी गाड़ी अटक चुकी है, ये कौन सा मैजिक है? रुको जरा सबर करो, एक बार यार बाहर निकल के दोबारा अंदर जाता हूँ मैं, लेकिन एक सेकंड यार ये क्या सीन हो गया? अबे यार ये मैं घर के अंदर बैठ के गाड़ी चला रहा हूँ यार, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो यार चल भी रहा हूँ और गाड़ी भी चला रहा हूँ यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो गाइस यार ये मिट तो बिल्कुल ही कंफर्म है। तो हमारा अगला मिट है कि अगर आप कार दीवार से लगाकर बिल्डिंग के अंदर जाएंगे तो पुलिस आपका कुछ नहीं करेगी, समझ रहे हो? तो इसको करने के लिए मुझे चाहिए एक अच्छी सी कार और एक गोली और एक बंदा जिसको मुझे मार कर पुलिस बुलाना है। तो गाइस यार इसके तो हेडशॉट मार दिया है, तो चलो फिर जल्दी से कार उठा के जल्दी से चलते हैं बिल्डिंग के पास। अरे तू जा रही? तो चलो फिर जल्दी से चलते हैं और किस बिल्डिंग में जाओ अंदर, लगता है यार यही वाली सही रहेगी। चलो भाई। तो हमें बिल्कुल ऐसे दीवार से चिपका के इसको कारी करनी है और जल्दी से उतरते है इसके अंदर पहुँच गए क्या? तो गाइस बिल्डिंग के अंदर तो पहुँच गए, लेकिन पुलिस की आवाज तो अभी तक नहीं है यार। तो चलो पुलिस का थोड़ा इंतजार करते हैं। A few moments later. तो पुलिस की कार तो आ चुकी है और यार इसको पता है कि मैं बिल्डिंग के अंदर हूँ, तभी इसने यहाँ पे रखी है कार। तो यार ये आ तो गया लेकिन ये मुझे मार नहीं सकता, क्या ये मुझे देख पा रहा है? तो ये मुझे देख तो पा रहा है लेकिन ये मुझे मार नहीं सकता। और ये देखो दूसरी पुलिस कार भी आ गई। तो ये देखो यार मैं इसके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ लेकिन ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। तो अभी मैं बिल्डिंग के बाहर निकल चुका हूँ लेकिन फिर भी ये लोग मुझे नहीं मार रहे, तो ये मिट बिल्कुल कन्फर्म है। तो हमारा अगला मिट है कि अगर हम हो गाइस हमारा अगला मिट ये है कि अगर हम RGS टूल में बोलेरो कार टाइप करेंगे तो बोलेरो आ जाएगी। तो क्या गाइस यार बोलेरो आ जाएगी क्या RGS टूल में? तो रुको यार मैंने यहाँ पे देखो बोलेरो कार टाइप कर दिया है, तो अब देखते आती है या फिर नहीं। हाँ तो गाइस फाइनली यार मेरी एक साल की मेहनत के बाद मैंने फाइनली ले ही ली यार बोलेरो कार, कितनी अच्छी लग रही है। और अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी है तो प्लीज से लाइक करो यार वीडियो को, लाइक नहीं करते हैं। और यार रुको यार अभी आप लोग सबर तो करो थोड़ा यार, अभी मैं आप लोगों को बोलेरो कार को चला के भी दिखाने वाला हूँ यार, कितनी अच्छी लग रही है, चला के देखते हैं कितनी अच्छी लगती है। लेकिन एक सेकेंड यार ये बोलेरो कार के पीछे पहिया क्यों लटका हुआ है, पता नहीं यार ये क्या काम आता है। तो रुको यार अभी अपन इसको चला के देखते है बोलेरो कार को, देखो यार कितनी अच्छी लगती है यार ये चलने में। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यार चलाने में कितना ज्यादा मजा आ रहा है, कितनी तेज चल रही है यार ये बोलेरो कार, मुझे तो एक नंबर लग रही है यार। क्या हॉर्स को ट्रेन से ठोक देंगे तो हॉर्स को कुछ नहीं होगा। तो गाइस अभी मैंने हॉर्स को बिल्कुल ट्रेन की पटरी के सामने खड़ा कर दिया है, तो अभी बुलाते हैं ट्रेन को। और ये देखो ट्रेन आ रही है।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये देखो गाइस ट्रेन फुल स्पीड में आ रही है और ये देखो हॉर्स को ले जा रही है ट्रेन। यार अभी मुझे जल्दी से आगे जाके देखना होगा क्या हो रहा है हॉर्स का। तो गाइस अभी मैं ट्रेन से बिल्कुल आगे निकल चुका हूँ और ये देखो हॉर्स अभी भी जिंदा है यार। आयरन मैन की पावर आ गई लगता है हॉर्स में। तो गाइस यार ये मैं तो हुआ कन्फर्म।